हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है तो ओप्पो A79 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस हैं तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस के जरिए आप कैसे अपने फ़ोन की होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन की होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन से ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं, तो सिंपली आपके पास ये ऑप्शंस आ रहा है तो देख सकते हैं। आपको इसमें से जाना होगा इस पे ऑटो रोटेट स्क्रीन, आपको सर्च करना है, जिसके जरिए आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से ऑन कर देंगे तो आप स्क्रीन को रोटेट कर पाएंगे। जैसे आप अपने फ़ोन को घुमाते हैं तो आपकी स्क्रीन रोटेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने फ़ोन को घुमा दिया है तो आपकी स्क्रीन रोटेट हो जाती है, नहीं हो रही है तो आप रोटेट नहीं कर पाएंगे। पर जैसे आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते और स्क्रीन को रोटेट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। और आपकी स्क्रीन ऑप्शंस नहीं मिलता है आपको तो यहाँ से भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप ये ऑप्शंस यहाँ पर शो हो जाते हैं, इसको ऑन ऑफ करके आप यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। तो वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।